नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। एम वेंकैया नायडू होंगे अगले उपराष्ट्रपति, मिले 516 वोट, गोपाल कृष्ण गांधी को दी शिकस्त। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी बधाई, वेंकैया ने जताया आभार, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का किया वादा। गुजरात में राहुल गांधी के काफिले पर हमले के आरोप में गिरफ्तार, कांग्रेस ने बताया साजिश, बीजेपी का इनकार। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, बांदीपुरा में झड़प में 3 घायल। कोलंबो टेस्ट में पारी की हार से बचने के लिए श्रीलंका का संघर्ष, 231 रन की जरूरत, पहली पारी में अश्विन ने झटके 5 विकेट। तो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, वोटिंग और उसके बाद नतीजा, और नतीजों के बाद एम वेंकैया नायडू चुनाव जीते हैं जो देश के अब नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने आज हुए मतदान में गोपाल कृष्ण गांधी को मात दी है। जीत के बाद वेंकैया नायडू ने समर्थन के लिए सभी सांसदों का आभार जताया, वहीं गोपाल कृष्ण गांधी ने वेंकैया नायडू को उनकी जीत पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने जीत दर्ज की है। मतदान के बाद आए नतीजों में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को हराया। एम वेंकैया नायडू को 516 वोट मिले, वहीं गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले। 771 श्री वेंकैया नायडू एम हैज सिक्योर्ड 516 वोट्स एज फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स एंड श्री गोपाल कृष्ण 244 वोट्स। एम वेंकैया नायडू ने जीत के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने जीत के लिए एम वेंकैया नायडू को बधाई दी है। वोटेड फॉर मी, आई रेफर टू दोज हु हैव वोटेड फॉर मी एंड आई बिलीव द नंबर दैट हैज वोटेड फॉर मी is beyond the expectations of certain calculations. I thank all of them very deeply and sincerely. 11 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नव निर्वाचित राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। अखिलेश सुमन के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान में 771 सांसदों ने हिस्सा लिया, जबकि 14 सांसद वोट डालने नहीं पहुंचे। इनमें टीएमसी के 4, कांग्रेस, बीजेपी और आईयूएमएल के 2-2 सांसद शामिल हैं, जबकि एनसीपी और पीएमके के 1-1 सांसद ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शनिवार सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन भी वोट डालने पहुंचे। राज्यसभा सदस्य के तौर पर वेंकैया नायडू ने भी मतदान किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी वोट डाला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह समेत कई मंत्री वोट डालने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया।
योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि मनोहर पर्रिकर राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं। मतदान के दौरान विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भी संसद भवन पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी शुरुआती घंटों में ही अपना वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मतदान किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम सांसद वोट डालने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, सीपीआई के डी राजा, सीपीएम के सीताराम येचुरी ने भी मतदान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, आरजेडी के राम जेठमलानी और डीएमके की कनीमोझी समेत तमाम सांसदों ने अपने वोट डाले। राज्यसभा सांसद जया बच्चन, रेखा और सचिन तेंदुलकर के अलावा लोकसभा सांसद हेमा मालिनी भी वोट डालने पहुंची। दोपहर 1 बजे तक कुल 785 सांसदों में से 713 सांसद वोट डाल चुके थे और शाम 5 बजे मतदान पूरा होने पर 771 सांसदों ने वोट डाला। उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं। पंचानन मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और अखिलेश सुमन के पास चलते हैं, जो कि मौजूद हैं एम वेंकैया नायडू के घर के बाहर। अखिलेश जी, क्या कुछ हलचल है? लंबा सिलसिला मुलाकात करने वालों का, बधाई देने वालों का। देखिए कविंद्र, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ चुके हैं वेंकैया नायडू के घर पे, और वेंकैया जी बाहर अपने परिसर में लोगों से अभिनंदन स्वीकार कर अब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपने आवास के अंदर चले गए हैं। तो अब जो हलचल है वह कैंपस से, मैदान से निकलकर घर में कमरे में चली गई है और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने चिरपरिचित मुस्कान और हंसी के साथ वेंकैया नायडू को बधाइयां दे रहे हैं। कविंद्र, अखिलेश के अलावा इससे पहले और कौन कौन से मंत्री या फिर दिग्गज हस्तियां, विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे? इसके पहले आप जिस मंत्री को भी याद कीजिए, अगर रविशंकर कहें, पीयूष गोयल कहें, अगर हर्षवर्धन कहें, बंगारू लक्ष्मण कहें, रामविलास पासवान कहें, जिस मंत्री जितेंद्र सिंह कहें, जिस मंत्री का भी नाम जेहन में आता है वो सारे मंत्री एक एक करके आए। और उसके पहले मैं बताऊं कि राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह सुबह भी आए थे, प्रकाश जावड़ेकर सुबह भी आए थे और वो लोग सुबह भी मिलकर उनके सामने एक तरीके से उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। और उसके बाद अभी जो एक माहौल है, बहुत ही, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही सादगीपूर्ण, बहुत ही सरलता के साथ ये वेंकैया नायडू के जीत का समारोह यहाँ मनाया गया। जो कैंपस के अंदर, परिसर के अंदर बने हुए एक स्टेज के पर आए, एक यहाँ टेंट लगा हुआ है, उस टेंट में कुछ सांसद और मंत्रीगण मौजूद थे, मीडिया मौजूद थी, उसके सामने उन्होंने खुद ही स्वीकार किया अभिनंदन, उन्होंने खुद ही भीड़ को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया और उसके बाद एक एक करके फूलों का गुलदस्ता सबके साथ हंसी मजाक करते हुए, बात करते हुए जब प्रधानमंत्री आए तो वो अंदर अब कमरे में प्रधानमंत्री का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। तो जो पूरे दिन का माहौल था, मैं सुबह से ही वेंकैया नायडू के घर पे था और वेंकैया नायडू 9:30 बजे अपने घर से निकले थे, वो संसद भवन गए, उसके बाद के 12:30 बजे फिर अपने घर पर आ गए और उसके बाद से ये सीधे अपने घर पर ही हैं। लोग एक एक करके आ रहे थे, बहुत बड़ी संख्या नहीं, बहुत बड़ा विजय का कोई माहौल उत्साह नहीं, एक बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से, जो उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को शोभा देता है उसी गरिमापूर्ण ढंग से सादे समारोह में उन्होंने सबका अभिनंदन स्वीकार किया। कुछ दोस्त मित्र भी आए, कुछ आंध्र प्रदेश के लोग भी दिखे, तेलुगु देशम के लोग भी आए, कुछ सांसद तीन में भी आए और फिर अभी भी हैं कई लोग। तो उन सारे लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए वेंकैया नायडू ने एक इस तरह का परिचय दिया है देश के सामने कि इतने उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी भी बिना ज्यादा तान झाम किए हुए अपने पद को स्वीकार कर रहा है, अपने विजय का उल्लास भी मना रहा है और जनता को और सांसदों को यह एहसास भी दिला रहा है कि इतनी भारी विजय के बाद, क्योंकि उनकी विजय में जो अपेक्षित मत थे उस अपेक्षित मत से भी ज्यादा मत मिले हैं। जिस तरह से जेडीयू और बीजेडी ने पहले कहा था कि गोपाल कृष्ण गांधी को समर्थन देंगे, लगता है कि उनके सांसदों ने भी अंततः वेंकैया नायडू को ही समर्थन दिया। तो जो अंतरात्मा की आवाज, आम तौर पर बोलते हैं कि जो
विपक्ष होता है, विपक्ष आमतौर पर अपील करता है कि अंतरात्मा की आवाज में वोट दें, इस बार ये लग रहा है कि विजयी पक्ष जो है, विजयी पक्ष को ही अंतरात्मा की आवाज के सांसदों ने वोट दिया है। तो यह एक एडेड एडवांटेज बीजेपी को मिला है अभी इस समय। लेकिन जिस तरह से होता है कि विपक्ष ने भी काफी गरिमापूर्ण तरीके से वेंकैया नायडू को बधाई दी है और आशा व्यक्त की है कि जो संवैधानिक पद है एक उपराष्ट्रपति का और उनका दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व है राज्यसभा के संचालन का, राज्यसभा में वो पूरी तरह से पक्ष और विपक्ष को किस तरीके से मिलाकर चलेंगे इसका भी एहसास उनके व्यवहार से भी होता है। और विपक्ष भी यह आशा कर रहा है कि वेंकैया नायडू जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, सहज और सरल व्यक्तित्व हैं, सभी लोगों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, चुहलबाजी भी थोड़ी होती है, थोड़ी चुटकियां भी लेते हैं वो, लेकिन सबको मिलाकर चलने की जो उनकी क्षमता है जो अभी तक दिखती रही है, उससे विपक्ष को भी एक आश्वासन मिल रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सदन में टकराहट जो होती है वो टकराहट बहस में बदलेगी जरूर, लेकिन उस तरह का तनाव शायद नहीं रहे राज्यसभा में जिस तरह का तनाव आमतौर पर मौजूद होता है। जी कविंद। और अखिलेश, अगर वेंकैया साहब के अब तक के राजनीतिक सफर को देखें, बहुत मैं कहूं कि तेजी के साथ उन्होंने तय किया ये सफर, गांव से निकलकर राज्य विधानसभा, इसके बाद केंद्र की राजनीति, पार्टी के दो बार अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, बड़े अहम मंत्रालय और अब उपराष्ट्रपति। निश्चित तौर पे जो ये कहते हैं कि जो एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति तो जो राजनीति की हर मंजिल पर जाता है, राजनीति के हर मुकाम पर वो जाता है, हर तरह के अनुभव को वो बटोरता है और उसके बाद एक एक करके आगे जाता है। तो वेंकैया नायडू के पूरे जीवन का इतिहास ऐसा ही रहा है, गांव से किसान परिवार से जब निकले हैं तो उनके निश्चित तौर पे गांव के जो अनुभव है, जो गांव का जो जीवन है, उस गांव के जीवन को भी उन्होंने समझा है और उसे जिया है। और उसके बाद जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने, उनके सदस्य के रूप में उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, उसके बाद इमरजेंसी के दौरान वे जेल में गए और उसके बाद फिर MLA बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं और उसके बाद अब उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र की यह जो विशेषता है कि आपको प्रतिनिधित्व के लिए या राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए किसी बहुत बड़े परिवार से राजघराने से आने की जरूरत नहीं है, भारतीय लोकतंत्र की यही जो विचित्रता है, यही जो एक खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की, वह खूबसूरती निश्चित तौर पर वेंकैया नायडू के पूरे जीवन के राजनीतिक सफर में साफ साफ झलकता है। और आज वेंकैया नायडू जब उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं तो लोगों को निश्चित तौर पर भरोसा जगा है, जो आम कार्यकर्ता है, हर दल के आम कार्यकर्ता है, जो नौजवान है वह भी एक सपना तो पाल नहीं सकता है कम से कम कि हम भी भारत के नागरिक के रूप में जितने उसके पद तक संभव है हम सपना देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। यह एक आशा वेंकैया नायडू के पूरे जीवन से और वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति चुने जाने से यह आशा निश्चित तौर पर नौजवानों में जाएगा और गाँव के लोग जो कई बार अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं वह उपेक्षित जो महसूस करने की जो पीड़ा है वह पीड़ा भी कम होगी कि राजनीति महज बड़े लोगों की खेल नहीं है बल्कि राजनीति में ऊंची सीढ़ियां लोग चढ़ सकते हैं, यह वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद साबित होता है। कविंद जी, अखिलेश जी का आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से वेंकैया साहब को उम्मीदवार बनाया गया उससे पहले वो खुद इनकार करते रहते थे जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के नाम पर चर्चा होती थी, लेकिन बीजेपी के लिहाज से या फिर NDA के लिहाज से अचानक वेंकैया साहब का उम्मीदवार बनना, इसे कैसे आप देखते हैं और क्या कुछ बड़े कारण थे जिसके चलते ये सब कुछ हुआ? निश्चित तौर पर इसके बारे में मैंने बीजेपी के प्रवक्ता है GVL नरसिम्हा राव जो सबसे हर रोज मीडिया कर्मियों को जो झेलते हैं वो हम लोगों के सवालों का दंश बात करते हैं सहन करते हैं, उनसे ही मैंने पूछा कि आप बीजेपी के नेता के उपराष्ट्रपति बनने के बाद क्या आप लगता है कि आपने कुछ खोया है? तो उन्होंने भी कहा कि हाँ हम महसूस करते हैं कि हम मिस करेंगे उनको, लेकिन जो एक बड़े दिशा निर्देशन की जरूरत होती है उस बड़े दिशा निर्देशन से वेंकैया जी की भूमिका है और वेंकैया जी जिस तरीके के माहौल को हल्का करने में जिस तरीके का उनका योगदान हमेशा रहता है उस अपने व्यक्तित्व के माध्यम से वो योगदान करेंगे। अब जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के अंदर एक स्वाभाविक गति है, उस स्वाभाविक गति के अनुसार उनका स्थान जो लेगा, क्योंकि मंत्री पद होना एक बहुत ही सक्रिय राजनीति होती है और वेंकैया नायडू चूंकि गांव से आए हैं, गरीबों के बीच से आए हैं, तो उनको एक अभी भी आशा थी, अभी भी इच्छा थी कि और कुछ ज्यादा दिन तक सक्रिय राजनीति में जुड़े रहे। कई बार उन्होंने व्यक्त भी किया अपनी बातों को कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद बहुत सारी सीमाएं हो जाएगी मेरे सामने, इसलिए उन्होंने कहा भी कि
मैं नहीं बनना चाहता इस जिम्मेदारी को अभिवहन करना, लेकिन सत्ता पक्ष के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी जो विपक्ष और पक्ष के बीच में जो इस तरह की कटाहट और तनाव का माहौल बना है कई राजनीति पर वैचारिक कारणों से, उस माहौल को कौन दूर कर सकता है। तो उस माहौल को दूर करने में जैसा कि भैरव सिंह शेखावत एक समय करते थे, उस तरह का व्यक्तित्व वेंकैया नायडू में पाया उन्होंने और उसी के कारण वेंकैया नायडू को उम्मीदवार बनाया, ताकि जो एक जटिलता होती है पूरे संसद सदन को चलाने की, राज्यसभा को चलाने की, और आप जानते हैं कि राज्यसभा जो है एक दूसरे तरीके का सदन है जो लोकसभा से बिल्कुल भिन्न है, दूसरे प्रक्रिया से चुनकर लोग आते हैं और उसमें कई बार माना जाता है कि काफी प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल कई तरह के लोग आते हैं, तो वैसे में संचालन में वेंकैया नायडू का व्यवहार काफी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वेंकैया नायडू की जिम्मेदारी दी गई। और वेंकैया नायडू ने अंतर जो एक जो सक्रिय कार्यकर्ता होता है उसको कई बार व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, और व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग करते हुए उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद स्वीकार किया है, और यह बहुत ही गरिमापूर्ण पद है, बहुत ही आम जिम्मेदारी हो रही है क्योंकि यार उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति एक बड़ा पद बच जाता है, यह पद उनके व्यक्तित्व के अंतर्गत है और उनके पूरे व्यवहार को इस सदन को चलाने में, और उपराष्ट्रपति की बहुत बड़ी भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उपराष्ट्रपति बहुत सारे ऐसे डेलीगेशन का नेतृत्व करते हैं, कई बार बायलेटरल जो द्विपक्षीय डेलीगेशन होता है उसका नेतृत्व करना पड़ता है, बहुपक्षीय डेलीगेशन का भी नेतृत्व करना पड़ता है, और उसमें जो अनुभव से जुड़ा हुआ जो नेता होता है जो कई भाषाओं में जिसको महारत होती है जिसको कई तरह के अनुभव होते हैं, वो वैसा नेता काफी महत्वपूर्ण साबित होता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी। तो वेंकैया नायडू की वह जो भूमिका है वह भूमिका में वेंकैया नायडू सफल होंगे, और किसी एहसास के कारण उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी दी गई, और वेंकैया नायडू जैसा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के नेता और मंत्री कह रहे हैं, वेंकैया नायडू अपने व्यवहार और अपनी जो अपना जो अनुशासन है उनके जीवन का शैली की जो खासियत है उससे उन इन दोनों जिम्मेदारियों में को वेंकैया नायडू काफी अच्छे तरीके से संभालेंगे और निर्वाह करेंगे, ऐसी आशा कर रहे हैं लोग। शुक्रिया अखिलेश कुमार महाशय में ताज़ा जानकारी देने के लिए, और वेंकैया नायडू को बधाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उनके घर पहुंचे और उन्हें मुबारकबाद दी। श्याम सुंदर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से। श्याम, आप लंबे अरसे तक बीजेपी को कवर करते रहे हैं और दक्षिण भारत की राजनीति को भी, असल में बीजेपी के लिहाज से ये पहली बार नहीं है बल्कि दूसरा मौका है जब उपराष्ट्रपति पद पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली है, लेकिन जैसा कि अखिलेश कह रहे थे कि 2002 के मुकाबले 2017 में तस्वीर काफ़ी कुछ बदली हुई है और इस तस्वीर के मायने भी कुछ अलग हैं। नहीं बिल्कुल, 2002 में जब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे, राज्यसभा के चेयरमैन बने थे, निश्चित तौर पर भैरव सिंह शेखावत का कद कोई छोटा कद नहीं था, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और कद्दावर नेता थे, और राज्यसभा चेयरमैन के तौर पर भी उनका जो कार्यकाल रहा अभी तक उसकी तारीफ की जाती है, और अभी पिछले सप्ताह ही राज्यसभा में जब प्रिविलेज का मामला सांसद उठा रहे थे तो उसमें पूर्व जो डिप्टी चेयरमैन है के रहमान खान, उन्होंने बाकायदा भैरव सिंह शेखावत का जिक्र किया जब उन्होंने एक मामले का कॉग्निजेंस लेते हुए प्रिविलेज का मामला दिया था और प्रिविलेज कमेटी को वो मामला सौंपा गया था। तो निश्चित तौर पर 2002 का अपना महत्व था, और क्योंकि वो पहला शायद ऐसा मौका था इसलिए भी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन जब आप 2017 की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बिल्कुल राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग है। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में उसका पूर्ण बहुमत है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ सरकार आई बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार आई, और उसके बाद बीजेपी बहुत मजबूत बनके उन क्षेत्रों में उभरती हुई नज़र आई जहां पर उसका पारंपरिक तौर पर आधार नहीं होता था या नहीं माना जाता था। और उसी सिलसिले में जो आपने एक इशारा किया दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से आते हैं, वो कर्नाटक से राज्यसभा के
सदस्य रहे हैं और तमिलनाडु के जब भी भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत पड़ी और तमिलनाडु की पार्टियों के साथ संपर्क की अगर बात करें तो वेंकैया नायडू बहुत ही अहम कड़ी के तौर पर एक अहम नेता के तौर पर उनकी भूमिका रही है। और आज की तारीख में जो तमिलनाडु में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को ज़रूर ये लगता है कि तमिलनाडु में उसके लिए एक अवसर है। और निश्चित तौर पर वेंकैया नायडू एक सीजनड पॉलिटिशियन है, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनके अच्छे उनके उन वो अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लगता है कि उनको वक्त से पहले अवसर मिला है और उनको वो उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब राजनीतिक दल कोई फैसला लेते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर कई तरह के संदेश होते हैं, कई तरह की कंसिडरेशंस होते हैं जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं। और अगर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है और इस तरह का राजनीतिक विश्लेषण हो रहा है कि वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद पर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में कुछ अवसर तलाश कर सकती है, तो वो उन विश्लेषणों को आप गलत नहीं मान सकते। उसके बावजूद ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आज के दिन इन विश्लेषणों को पीछे छोड़ के हम ये कह सकते हैं कि वेंकैया नायडू का जिस तरह का अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है उनका, और जिस तरह का प्रशासनिक अनुभव है, और जिस तरह का उनका वो राज्यसभा में लगातार कई बरसों से रहे हैं, तो बहुत भली भांति जानते हैं, वो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, तो वो रूल बुक के हिसाब से, और उन्होंने कहा भी है कि वो जो संविधान की उच्च मर्यादाएं हैं उनका पालन करेंगे और उसी के हिसाब से वो काम करने का प्रयास करेंगे और वो काम करेंगे, वो उन्होंने ये कहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक डेमोक्रेसी में अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी ताकतें होती हैं, और राष्ट्रपति पद पर भी हमने देखा कि चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति पद पर भी चुनाव हुआ, पहली बार ये चुनाव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब आप एक बार उस आसन पर बैठते हैं तो आपके पास एक रूल बुक होती है जिसके हिसाब से आपको सदन को चलाना होता है, और वो उस रूल बुक को संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, जितना मेरा अनुभव है, उनको देखा है मैंने, कि वो ज़बानी तौर पर उनको राज्यसभा के सारे नियम कायदे और कानून उनको कंठस्थ हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक सकारात्मक पक्ष उनके साथ ज़रूर है। और श्याम, जिस तरह की उनकी शैली है जिसकी चर्चा सभी लोग करते हैं और जो लगातार उन्हें कवर करते रहे, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग, वो वाकिफ भी हैं कि, और क्या इसका एक बड़ा फ़ायदा आपको लगता है कि राज्यसभा में सभा के संचालन में वहाँ पर एक बेहतर टूल के तौर पर वहाँ हो सकता है? देखिए, उनकी शैली के बारे में मैंने जब वो पार्टी के प्रवक्ता थे उस समय से उनको देखा, और निश्चित तौर पर वो अपनी शैली से प्रभावित करते हैं, और उनमें एक हास्य विनोद वाला एक टच भी रहता है। वो कई बार बहुत गंभीर बनती हुई स्थिति को या बहुत तनावपूर्ण बनती हुई स्थिति को संभालने में सक्षम हैं, और हमने देखा कि जब वो सांसद के तौर पर या मंत्री के तौर पर भी वो सदन में बोलते थे तो कई बार विपक्ष के लोग भी मेजें थपथपाते थे या उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। तो निश्चित तौर पर ये शैली और ये कला चेयर पर कर वो, और यही एक शायद वजह भी है कि उनका अपना एक खास अंदाज है और उनकी अपनी एक खास पहचान बनी है। तो अनुभव के साथ साथ उनकी ये जो शैली है निश्चित तौर पर ये मददगार साबित हो सकती है। लेकिन शैली के बारे में जो मैं कह रहा था कि एक दूसरी बात, कि वो एक हमेशा उन्होंने अपने आप को एक सीनियर लीडर के तौर पर कंडक्ट किया। वो कई बार हंसी मजाक जरूर करते हैं, उनके बातों में व्यंग भी होता है, तंज भी होता है कई बार, लेकिन ये अगर आप उनके पिछले जो मैं अपने अनुभव की अगर बात करूं कि 20 साल में कभी भी किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जिनको आप अभद्र कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि उस वो किसी को नाराज़ करने वाले शब्द हों। मुझे आज याद पड़ता है कि एक बार जब यूपीए की नेता सोनिया गांधी ने खड़े होकर उन्होंने एक कोई शिकायत दर्ज करने की कोशिश की थी, तो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर उन्होंने कहा था कि आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई वर्ड्स ऑलवेज, एंड आप कभी भी देखें कि मैंने कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। और इसीलिए लगभग हर पार्टी में सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद होते हुए उनके मित्र आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे, और उनके उनके राजनीतिक अनुभव, उनके अंदाज और शैली की वजह से ये संभव है। और निश्चित तौर पर चेयरमैन के तौर पर उनको ये एक तरह से आसानी होगी, और साथ साथ
जिस तरह का उनका अनुभव है, न सिर्फ वो विपक्ष को संभालने में कामयाब होंगे, राज्यसभा को चलाने में उनको आसानी होगी, बल्कि वो सरकार को निर्देश भी दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी अगर बात करें तो वो उनका कद बहुत बड़ा है। वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और लगातार जब मंगलवार को संसदीय दल की बैठक होती है तो उसमें लगातार वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के साथ वो और वो गाइड करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उनको विपक्ष को प्रभावित करने की उनकी क्षमता है, रूल बुक के हिसाब से सदन को चलाने की उनकी क्षमता है, बल्कि वो सरकार को भी कई बार अगर निर्देश देने की स्थिति आती है तो वैसा अगर वो करते हैं, न सिर्फ चेयरमैन के नाते जो उनका अधिकार है, कोई भी उस आसन पर अगर बैठता है तो हम देखते हैं कि डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन कई बार सरकार को निर्देश देते हैं, सरकार को कई बार जो आश्वासन देना पड़ता है चेयर के कहने पर, तो वैसे में अगर वेंकैया नायडू वो करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा सरकार के ऊपर भी ये दबाव बनाने का कि वो ज़्यादा जवाबदेही के साथ सदन में पेश आए। और उससे निश्चित तौर पर जब सरकार की तरफ से ज़्यादा जवाबदेही अगर वो सुनिश्चित करते हैं तो उसमें वैसे में विपक्ष को भरोसे में लेना उनके लिए आसान होगा। तो उनके पास ये गुण हैं कई तरह के, और सबसे बड़ा उनका जो एसेट है, उनका जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, मुझे लगता है कि वो उनको थोड़ा सा अलग बनाता है और ख़ास बनाता है। जी बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर, हमारे सहयोगी जो कि लंबे अरसे से बीजेपी को कवर करते रहे हैं, बता रहे थे वेंकैया नायडू के बारे में और उनके राजनीतिक करियर और जो उनकी खूबियां हैं, किस तरीके से वो हेल्प कर सकती हैं संसद के संचालन में, कि राज्यसभा के संचालन में। और एक नज़र नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सफर पर। दिग्गज नेता मुप्पवरप्पु वेंकैया नायडू का जन्म 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चावटपलेम गांव के एक किसान परिवार में हुआ। मेधावी छात्र रहे वेंकैया नायडू ने नेल्लोर के वीआर कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद आंध्र विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय वेंकैया नायडू 1973 में आंध्र विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने और ओजस्वी वक्ता के रूप में जय आंध्र आंदोलन के वक्त सुर्खियों में आए। उन्होंने आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और 1977 से 1980 तक आंध्र प्रदेश में जनता पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष रहे। वेंकैया नायडू 1978 से 1985 तक दो बार उदयगिरी सीट से विधायक चुने गए। 1980 से 1985 के बीच उन्होंने आंध्र प्रदेश बीजेपी विधायक दल के नेता की भी जिम्मेदारी निभाई। 1985 में प्रदेश में पार्टी महासचिव बनाए जाने के बाद 1988 में वो आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। संगठन में पकड़ के चलते 1993 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक कौशल के धनी वेंकैया नायडू ने बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव के अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका भी बखूबी निभाई। अप्रैल 1998 में वो पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वेंकैया नायडू सन 2000 से 2002 के बीच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी लोकप्रिय योजनाओं के जरिए ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जुलाई 2002 से अक्टूबर 2004 तक बीजेपी अध्यक्ष के रूप में वेंकैया नायडू ने सरकार के काम संगठन के जरिए बेहतरीन तरीके से जनता तक पहुंचाए। वेंकैया नायडू 2004 और 2010 में एक बार फिर कर्नाटक से उच्च सदन के लिए चुने गए। वो राज्यसभा के लिए चौथी बार पिछले बरस मई में राजस्थान से निर्वाचित हुए। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर उन्हें संसदीय कार्य के अलावा शहरी विकास मंत्रालय मिला। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार चुने जाने से पहले तक वो शहरी विकास के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस तरह सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए एम वेंकैया नायडू ने अपनी काबिलियत से सियासी जगत में वो मुकाम हासिल किया है जो कम ही नेताओं को नसीब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी। एम वेंकैया नायडू की जीत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। एनडीए में जहां जश्न का माहौल है, वहीं विपक्ष हार स्वीकार करते हुए इसे विचारधारा की लड़ाई बता रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू की जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है।
सत्ताधारी एनडीए में अभी जश्न का माहौल है। ये उनके व्यक्तित्व के अनुकूल है। वेंकैया जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि क्रॉस दी पार्टी लाइन, कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी देश का क्षेत्र हो, हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में वो लोकप्रिय है। और मैं आपको आज एक बात विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो लोग भी जो शायद अपनी राजनीतिक दलों की मजबूरी के कारण वेंकैया जी के खिलाफ मतदान किए हों, दिली दिली में चाहते होंगे कि वेंकैया जी के हक में हम वोट डालें। एक साधारण परिवार से उपराष्ट्रपति बनना ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि सभी दलों में इतनी लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और एनडीए प्लस के उम्मीदवार श्री वेंकैया नायडू गारू के लिए। देश की राजनीति, देश की संसद, देश की परंपरा को समझते हैं, सबों का सम्मान करते हैं, तो उनकी अगुवाई में भारतीय संवैधानिक आचरण और आगे बढ़ेगा। सारा क्रेडिट जाता है जो इस सरकार ने पिछले 3 साल जो काम किया है, ये क्रेडिट जाता है वेंकैया जी की पर्सनालिटी को, जिसने क्रॉस पार्टी लाइन उनकी इतनी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। विपक्ष ने भी वेंकैया नायडू को बधाई दी है। 19 दलों के साझा उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी की हार के बावजूद विपक्ष फिलहाल आश्वस्त दिख रहा है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं ने इसे विचारधारा की लड़ाई करार दिया। आइडियोलॉजी की बात थी और विपक्ष हमेशा हार हो या जीत हो आइडियोलॉजी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। यही कारण था, चाहे हमारे पास संख्या नहीं थी लेकिन पूरे विपक्ष में मैं धन्यवाद करता हूँ उन 18-19 राजनीतिक दलों का, विपक्ष के, जिन्होंने एनडीए के खिलाफ वोट दिया। ये बात कर रहे हैं 19 विपक्षी पार्टियों के एमपीओ ने वोट किया, वोट डाला। उनमें से अगर कुछ ऐसी बात हुई, कोई इनवैलिड हुआ या क्रॉस वोटिंग हुई, वो अपने अपने पार्टियां वो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन बात ये है कि पिछले बार प्रेसिडेंट से ज़्यादा वोट इस बार हमें विपक्ष को मिले। एंड दिस इज़ अ पॉलिटिकल फाइट, एज वी ऑलवेज सेड, इज अ फाइट बिटवीन टू पॉलिटिकल ट्रेंड्स। उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू को 516 और गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले। नवविक्रम सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूँ श्याम सुंदर। मैं भी भारत का ये सफर लेकर आज हम यहाँ पर मिलने आए हैं गदबा या गडबा आदिवासियों से। गदबा आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े हुए कई अनसुलझे मसले अभी भी मौजूद हैं। खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद में वो नजर आता है। पानी नहीं हम सया लाइफ बांध देख रहे जीत लूं बाबा कर कितनी ना हमको। नमस्कार, स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो चुका है और नतीजा भी आ चुका है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एम वेंकैया नायडू ने जीत हासिल की है। तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के सफरनामे पर पेश है राज्यसभा टीवी की यह खास पेशकश। देश को आजाद हुए 2 साल ही हुए थे, राजनीतिक उथल पुथल चरम पर थी। तब आंध्र प्रदेश नहीं बना था, नेल्लोर जिला मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसी जिले के चौवटा पालम में 1 जुलाई 1949 को मुप्पावरप्पू वेंकैया नायडू का जन्म हुआ। परिवार साधारण था, पिता रंगैया नायडू किसान थे,
वेंकैया को बचपन में ही पिता नेल्लोर लेकर चले गए। वहीं वीआर हाई स्कूल से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। आई कम फ्रॉम ए हम्बल एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। आई डोंट हैव ग्रेट फैमिली हिस्ट्री एंड ऑल। वी वर पीपल कमिटेड टू एग्रीकल्चर व्हिच इज आवर बेसिक कल्चर। अभी वेंकैया प्राथमिक स्कूल में ही थे कि अलग आंध्र प्रदेश का आंदोलन शुरू हो गया। पोट्टी श्रीरामुलु मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए और आखिरकार 15 दिसंबर 1952 को उनकी मौत हो गई। इसके बाद आंदोलन और भड़क उठा। आखिरकार भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। वेंकैया नायडू के बाल मन पर इस आंदोलन का गहरा असर पड़ा। पढ़ाई के साथ राजनीति भी उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। वीआर कॉलेज में उन्होंने राजनीति और कूटनीति विज्ञान में स्नातक के लिए दाखिला लिया। यहीं पर छात्र राजनीति में उन्होंने कदम रखे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो तेज तर्रार नेता बन चुके थे। ७१ में वेंकैया नायडू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। राजनीति विज्ञान से स्नातक के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में उन्होंने दाखिला लिया और राजनीति यहां भी जारी रही। 1973 से 74 तक वो आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की छात्र इकाई के अध्यक्ष रहे। 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण छात्र संघर्ष समिति के वो प्रदेश संयोजक बने। राजनीतिक सक्रियता के चलते वो जल्द ही मशहूर होने लगे। 1972 में आंध्र प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन मुल्की कानून के विरोध में था। मुल्की का मतलब है स्थानीय निवासी। असल में 1952 में हैदराबाद राज्य में नौकरियों में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मुल्की कानून बना था, जिसमें तेलंगाना के लोगों को प्राथमिकता दी गई। लंबे आंदोलन के बाद यह कानून बनकर तैयार हुआ था। वक्त गुजरा तो तटीय इलाके के लोग मुखालफत में उतर आए। जय आंध्रा आंदोलन ने तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में जोर पकड़ा। 1972 में वेंकैया नायडू भी इसमें कूद पड़े। आंदोलन में शरीक लोगों का आरोप था कि सारा विकास हैदराबाद और आसपास के इलाकों का ही हो रहा है। जय आंध्रा आंदोलन में 400 से ज्यादा जाने गईं। आंदोलन ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। विधानसभा से 9 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को इस्तीफे पर मजबूर होना पड़ा। इस आंदोलन के बाद वेंकैया नायडू की ख्याति एक मजबूत जनाधार वाले नेता की हो चुकी थी। जैसे ही जय आंध्रा आंदोलन धीमा पड़ा, जेपी आंदोलन की गूंज देश भर में सुनाई देने लगी। वेंकैया भी आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद देश में आपातकाल लागू हो गया। हालात और बदतर हो गए। वेंकैया नायडू गिरफ्तार हुए लेकिन छूटे तो फिर से आंदोलन में शरीक हो गए। अम्मा विवाह तरह आय विशाखपन चवर चाक माला एमर्जेंट इंदिरागांधी एमर्जेंट उन्नार इधर बिड अम्मा बाबू पुटार बाबे पेंचार ऊर्जो अम्मगार इंटर उड़को तरवा मिलटरी का इंड कटे उदयगीरी एमएलए गेलचार अड़ने हईदराबाद के मंचगा अचल अचल बाग जगे बाग मंचा बच्चा इपड़कंत बनंद वेंकैया नायडू के जीवन में ये निर्णायक मोड़ था। इसके बाद वो पूरी तरह सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। 1977 में जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंप डाली। 1980 तक वो इस पद पर बने रहे और इस दौरान पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत की। छात्र जीवन से ही उनके भाषणों के लोग मुरीद थे, लेकिन जब सक्रिय राजनीति में कदम रखा तो उनकी भाषण शैली और निखरने लगी। 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो वेंकैया नायडू को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 3 साल तक वो इस पद पर रहे। 1978 में
वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और उन्हें जीत हासिल हुई। उदयगिरी सीट से वो लगातार दो बार विधायक रहे। आंध्र प्रदेश में वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन गए। 1980 से लेकर 1985 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा में वो बीजेपी के नेता रहे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें आंध्र प्रदेश बीजेपी का महासचिव बना दिया। 3 साल तक वो इस पद पर बने रहे। उनकी सांगठनिक क्षमता को देखते हुए बीजेपी ने 1988 में उन्हें आंध्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। वेंकैया जी बहुत जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहते 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 अब राष्ट्रीय नेता बने हैं, और इसके लिए जो आम कार्यकर्ता की पीड़ा है उसको बहुत दिल से समझने वाले, उसके बारे में सोचने वाले और आम कार्यकर्ता को आवश्यकता के अनुसार जो भी राहत देना जरूरी होता है वो देने वाले, ऐसे एक हमारे अभिभावक के रूप में हम वेंकैया जी की तरफ देखते रहे हैं। मगर मैं उनकी कार्यशैली की अगर विशेषता बतानी है तो बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो अगर 5 बजे का समय तय हुआ है तो 5 बजे के पहले 1 मिनट उपस्थित रहते हैं। वेंकैया नायडू की अगुवाई में पार्टी की जड़ें गहरी होने लगी। 1993 में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। साल 2000 तक वो इस पद पर बने रहे। इस दौरान उन्होंने कई और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। 1996 से 2000 तक वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे, साथ ही बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव पद की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। इस बीच अप्रैल 1998 में वेंकैया नायडू को कर्नाटक से पहली बार राज्यसभा के लिए चुना गया। राज्यसभा में वो कई समितियों के सदस्य रहे, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संसदीय समितियों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। तंबाकू बोर्ड के भी वो सदस्य रहे। इन समितियों ने कई अहम रिपोर्ट संसद को सौंपी। एक्सटेंसिव टूर हैज बीन माय वे ऑफ लाइफ, इंटरेक्ट विद द पीपल, मीटिंग द पीपल, ग्रीटिंग द पीपल, टॉकिंग टू द पीपल, वॉकिंग विद द पीपल, वर्किंग विद द पीपल, दैट हैज बीन माय पैशन। जनता के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में वो इतने अच्छी तरह को जानते हैं। वास्तव में इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साउथ, आंध्रा, कर्नाटक, कर्नाटक से चुनकर आए थे राज्यसभा को, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते और उसके पहले जनरल सेक्रेटरी नाते कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, ये चारों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। सो ही इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साउथ इंडिया। 1998 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। सितंबर 2000 में वाजपेयी सरकार में वेंकैया नायडू को पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। वो 2 साल तक इस पद पर रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की उन्होंने शुरुआत की। 2002 उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण साल था। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश की। नतीजा ये कि उन्हें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो NDA की हार हो गई। वेंकैया नायडू ने इस्तीफा दे दिया। मैं पहले से उनको जानता था, पर 2002 से उनके संपर्क में ज्यादा आया और